हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीच राइटिंग। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ये राइटिंग स्किल में, टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या कोई भी बोर्ड रहने दो, अगर आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो और आपको स्पीच राइटिंग लिखना है तो क्या लिखने पे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इतना श्योर बोलता हूँ, जो भी है इस वीडियो को टिल एंड तक देखेगा डेफिनेटली इसको स्पीच राइटिंग में पूरे पक्के जितने भी मार्क्स के 4 मार्क्स 5 मार्क्स आपके बोर्ड के हिसाब से आपको मिलते हैं उतने पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अगर आप सेम टू सेम अगर उसी को लिखते हो तो भी आपको इजीली आउट ऑफ से थोड़ा सा कम मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको स्पीच लिखना है, आपके क्वेश्चन नंबर में अगर आपको स्पीच का क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी टॉपिक पर स्पीच देना है तो करना क्या है, सबसे पहले आपको स्पीच का हेडिंग दे देना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप स्पीच लिखोगे तो एक लाइन का कम से कम वो टॉपिक का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पे लिखोगे इंडिपेंडेंस डे और डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस अंडरलाइन, हाफ से एक मार्क्स आपको वही मिल जाएगी। बात क्लियर होगी। अब स्पीच में क्या लिखोगे, शुरुआत करना है और जो मैं आपको बोर्ड पे लिखा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसी को याद कर लो। हॉनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ओके एक लाइन याद कर लो, इसका मतलब समझ में आ रहेगा। टुडे आई एम, यहाँ पे जो डॉट डॉट डे डॉट डॉट, यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना है। आपको अगर अपना रियल नेम मेंशन नहीं करना है तो कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन का आपको नाम यहाँ पर मेंशन करना है। आई एम जितेश, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आई एम चावड़ा जितेश गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, मतलब मैं आपके सामने स्पीच बोलने जाऊंगा ऑन, यहाँ पे आपको टॉपिक का नेम लिखना है, जो भी आपको टॉपिक पर स्पीच दी रही है क्वेश्चन में वो नाम लिखना है। पहले पे आपको अपना खुद का नाम लिखना है, पहले स्पीच पे और सेकेंड पे टॉपिक, ये दो लाइन याद कर लेना है। नेक्स्ट, ऑन दिस प्रीशियस ऑकेशंस, मतलब ये इतने अच्छे मौके पर, फ्रेंड्स टुडे आई स्टैंड हियर टू शेयर माय थॉट, मतलब आज मैं आपके सामने खड़ा हूं अपने थॉट्स को आपके सामने प्रकट करने के लिए। थॉट्स ऑन द, जो सेकेंड डॉट है यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है। कितना इजी है, आई होप दैट यू विल बी लिसन मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग, मुझे पूरी उम्मीद है जो भी मैं आपके सामने बोलूंगा आप उसको बहुत ध्यान से सुनोगे और केयरफुली। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, जब भी आपको स्पीच लिखना है तो ये पहला पैराग्राफ लिख दो, आपको डेफिनेटली हाफ से एक मार्क्स मिल जाएगी। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या करना था कि 3 पैराग्राफ की आपको मैक्सिमम स्पीच देनी होती है। एक पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन बता दी, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है, फ्रेंड्स वी नो द, अब वो जो टॉपिक दिया हुआ है, जो भी एक्सरसाइज जो टॉपिक पे आपको स्पीच देना है उसके बारे में एटलीस्ट कम से कम 10 लाइन लिखना है आपको, 10 पैराग्राफ, ओके 10 ये हो गए सेकंड पैराग्राफ, 10 लाइन आपको कौन से लिखने, जो भी आपको टॉपिक दी होगी वो। नेक्स्ट ये आपने लिख दिए, अब लास्ट में आपको एंडिंग कैसे करना है, 3rd पैराग्राफ, थैंक यू फ्रेंड्स टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड कॉर्पोरेट मी थैंक यू ऑल, आपने मुझे कॉर्पोरेट किया उसके लिए आपको फिर से मैं क्या बोलना चाहता हूं, धन्यवाद। तो ये फॉर्मेट भी समझ सकते हो, अगर आपको लिखना है स्पीच बोर्ड एग्जाम में, 10th बोर्ड हो दो या 12th का बोर्ड हो दो, कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए आप क्या कर सकते हो उसको फॉलो कर सकते हो। इवन स्पेशली जो आपके 3rd मार्च को भी एग्जाम्स होने वाले हैं, 4th मार्च को HSC 2022 और जो 10th के एग्जाम्स होंगे 16, 17, 18 जो भी डेट को, तो उसमें आप इसको याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में और भी कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके पहले मैंने राइटिंग स्किल जो 12th में ड्राफ्टिंग या वर्चुअल मैसेज, रिव्यू ऑफ ए फिल्म, इसके पर मेरे वीडियोस आ चुके हैं, प्लीज उस वीडियो को देखो,
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप उतना भी लिखते हो एग्जाम में जितना मैंने राइटिंग स्किल में बताया, डेफिनेटली आप इंग्लिश में पास हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और वीडियो भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।